ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग, वाराणसी कोर्ट ने जगह को सील करने का दिया आदेश। भाकियों के असंतुष्टों को सफा देकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही तो नहीं चली तिरछी चाल। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी कोर्ट के फैसले को मिलेगी चुनौती, ओवैसी बोले ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू होते ही दी गई शिवलिंग मिलने और क्षेत्र सील होने की जानकारी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से लौटे सोहनलाल आर्या बोले नंदी जिसका इंतजार कर रहे थे वह बाबा मिल गए। गोरखपुर में पुलिस अफसरों पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले थानों पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा। ऑनलाइन ऐप से लिया लोन अब साइबर ठग कर रहे ब्लैकमेल, इस कारण आसमान पहुंचा सरसों के तेलों का भाव, एक माह में इतना बढ़ गया मूल्य। कोरोना की दूसरी लहर में जांच न कराने वालों के फेफड़ों में फाइब्रोसिस, अस्पताल पहुंचने लगे मरीज। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के छात्र छात्राओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता और राशन भी, अभिभावकों के खाते में जाएंगे रुपए। पीएमएलएन की मरियम ने किया बड़ा दावा, कहा पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ तय करेंगे चुनाव की अगली तारीख। पूर्व पाक मंत्री के जवाब ने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान में होंगे श्रीलंका जैसे हालात। अमेरिका में चर्च में गोलीबारी, एक की मौत। श्रीलंका में फिर वाले हमले को अंजाम दे सकता है एलटीटीई, अब होगी भारतीय मीडिया में आई इन रिपोर्ट्स की जांच। नेपाल में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया गया उद्घाटन, देश को मिला विदेश यात्रा के लिए दूसरा एयरपोर्ट। पूर्वी इमरान खान का अमेरिका पर एक नया आरोप, कहा बिना हमला किए पाक को बनाया अपना गुलाम। गुजरात से हार के बाद लखनऊ का बढ़ा इंतजार, केएल राहुल ने बताया क्यों हार गए मैच। दिल्ली की टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का मौका, जानिए क्या करने की जरूरत। दिल्ली के खिलाफ अहम मुकाबले में किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी पंजाब की टीम। सुनील गावस्कर ने साफ कहा अगर एमएस धोनी आगे आईपीएल में नहीं खेलना चाहते तो कप्तानी वापस क्यों लेते।